कि अपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं, गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा, तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं, एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते हैं, ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते हैं, आवाज़ उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या, हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों को देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। ये आज तक कभी हुआ है? इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया नहीं किया? मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, और ऊपर से कह दिया जाता है आप लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपनी जगह में खड़े, ये तो चल भी नहीं सकती, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। इससे हमारा भी नाम लिया नहीं, वही तो आप, हम दोनों का नाम लिया। हम अपनी जगह में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये हमारा राइट है, इट इज आवर राइट टू स्पीक, इट्स आर राइट टू ऑल्सो से वॉट वी वॉन्ट टू से, एंड इन सॉलिडेरिटी विथ ऑल आर MPs हु वर डिसमिस्ड यस्टरडे, एंड विद दिस अनफेयर जजमेंट ऑफ नॉट डिसमिसिंग द मेंबर्स हु वर इन द वेल टूडे, वी वॉकड आउट ऑफ द हाउस। ये कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सुनवाई हाउस में तो नहीं हो रही, शायद आप लोग कुछ जस्टिस करें, दिखाई दे दीजिएगा। इतने सारे माइक पकड़ के खड़े।